जय हिंद स्टूडेंट, मैं मोहम्मद काशिफ बायोलॉजी एमके में आपका खैर मकदम करता हूं। आज हम इंटर और हाई स्कूल दोनों के लिए ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं, जो हमारे टॉपिक है पहला पात्र निषेचन यानी IVF तकनीक। IVF की फुल फॉर्म है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिससे जो शिशु उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी भी कहते हैं। इसके बाद दूसरा है जिफ्ट क्या है। तो पहले जिफ्ट की फुल फॉर्म देख लीजिए, गैमेट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर कहते हैं इसे, इसके बारे में समझेंगे। फिर आगे हम समझेंगे एम्यूनोसेंटेंसी, जिसको हम उल विभेदन कहते हैं, इसके बारे में। इसके बाद लास्ट टॉपिक हमारा रहेगा सरोगेट माता किसे कहते हैं। तो आप सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं पात्र निषेचन की, यानी IVF क्या है, ठीक है, यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या है। वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम इसकी जो परिभाषा है वो देख लेते हैं, उसके बाद एक आसान भाषा में आपको समझाएंगे क्या कि इस तकनीक द्वारा शरीर से बाहर प्रयोगशाला, शरीर से बाहर ध्यान रखना, शरीर से बाहर प्रयोगशाला में परख नली में दाता स्त्री व पुरुष के युग्मकों, अब दाता स्त्री का युग्मक अंडाणु है, दाता जो पुरुष का युग्मक क्या है, स्पर्म यानी शुक्राणु, युग्मकों को निषेचित कराकर बने भ्रूण को ग्राही स्त्री के गर्भाशय में स्थानांतरित कर दिया जाता है। इस तकनीक से बना जो शिशु है वो कहलाता है परख नली शिशु, और इंग्लिश में उसे कहते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी। यानी टेस्ट ट्यूब बेबी किसे कहते हैं, तो उसके लिए भी यही आंसर आएगा। अब आसान भाषा में इसको समझिए, क्या होता है कि ये ऐसी स्त्रियों के लिए वरदान है जो कि क्या होती है, शिशु यानी जिनमें निषेचन क्रिया नहीं हो पाती। और ये हम जानते हैं कि निषेचन क्रिया कहाँ पर होती है, स्त्री के अंदर, स्त्री के मादा जनन तंत्र में कौन से भाग में होती है, फेलोपियन ट्यूब में होती है, जिसे अंडवाहिनी कहते हैं। तो ये ऐसी स्त्रियों के लिए वरदान है जिनकी फेलोपियन ट्यूब में गड़बड़ी होती है, ठीक। अब उसके लिए क्या किया जाता है कि स्त्री के अंडाशय को, अंडाशय से अंडाणु यानी ओवम को निकाला जाता है, और पुरुष से प्राप्त जो शुक्राणु है उसको निकाला जाता है, दोनों को प्रयोगशाला में परख नली में निषेचित कराया जाता है, यानी दोनों को मिलाया जाता है, संलित किया जाता है, और क्या किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, निषेचन कहते हैं। फिर क्या बनता है, जायगोट बनता है, जायगोट के बाद फिर क्या बनता है, भ्रूण बनता है। निषेचन के बाद क्या बनेगा, भ्रूण बनेगा। अब परख नली में भ्रूण बन गया, निषेचन क्रिया हो गई, कहां पर हो रही है, ये शरीर से बाहर हो रही है, ठीक है, इसलिए इसे पात्र निषेचन कहा जाता है। जो क्रिया, जो निषेचन पुरुषों उसमें मानव में शरीर से बाहर किया जाता है उसी को पात्र निषेचन कहते हैं। उसके बाद जब भ्रूण प्राप्त हो गया हमें परख नली के माध्यम से, फिर उसी माता में जिसका हमने अंडाणु लिया था, ठीक है, उसी माता में इस भ्रूण को गर्भाशय में स्थानांतरित कर दिया जाता है, यूटेरस में, ठीक है, क्योंकि फेलोपियन ट्यूब में प्रॉब्लम थी, गर्भाशय में प्रॉब्लम नहीं थी, इसलिए उसे फेलोपियन ट्यूब में की का जो काम था वो कहाँ पर किया गया, शरीर से बाहर किया गया, परख नली में किया गया, और उससे जो भ्रूण बना उसको दोबारा उसी माता के गर्भाशय में स्थानांतरित कर दिया जाता है। इसके बाद अब उस भ्रूण का फिर क्या होता है, परिवर्धन होता है, ठीक है, जब 9 महीने कंप्लीट हो जाते हैं तो भ्रूण फिर क्या बन जाता है, फीट्स बन जाता है, और फीट्स जब जन्म लेता है तो उसको हम क्या कहते हैं, बेबी या शिशु कहते हैं। तो ऐसे जन्मे बच्चे को परख नली शिशु कहा जाता है, या इंग्लिश में टेस्ट ट्यूब बेबी कहा जाता है। तो ये टेस्ट ट्यूब बेबी तकनीक है, किसके माध्यम से की जाती है, IVF यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, हिंदी में क्या बताया, पात्र निषेचन। अगला है हमारा जिफ्ट क्या है, GIFT जिफ्ट। तो सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है कि जिफ्ट की फुल फॉर्म क्या है, जी फॉर गैमेट है, इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर, ठीक। अब यह तकनीक क्या है, देखिए, दाता स्त्री से अंडाणु लेकर ग्राही स्त्री की फेलोपियन ट्यूब में इन अंडाणुओं को स्थानांतरित करने की जो प्रक्रिया है वो गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर या जिफ्ट कहलाती है। यानी ये भी ऐसी स्त्रियों के लिए वरदान है जिनकी फेलोपियन ट्यूब तो ठीक होती है, ठीक है, लेकिन उनके अंडाशय क्या कहते हैं, कुछ प्रॉब्लम आती है अंडाशय में, अंडाणु नहीं बन पाते, ऐसी स्त्रियों में अंडाणु नहीं बन पाते, लेकिन उनकी फेलोपियन ट्यूब भी ठीक है और यूटेरस भी ठीक है, दोनों ठीक है, तो क्या किया जाता है कि दाता स्त्री से अंडाणु लेकर
और ग्राही स्त्री की फैलोपियन ट्यूब में इन अंडाणुओं को स्थानांतरित किया जाता है। यानी एक स्त्री जो दाता स्त्री है, जो मेन स्त्री है, तो उससे उसका अंडाणु लेकर और किसी दूसरी स्त्री के फैलोपियन ट्यूब में उस अंडाणु को प्रवेश करा दिया जाएगा, स्थानांतरित कर दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर दाता पुरुष का जो शुक्राणु है वो वहां फैलोपियन ट्यूब में जाकर निषेचित होगा और निषेचन के बाद भ्रूण बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर तो सिर्फ ट्रांसफर करने की प्रक्रिया को ही हम क्या बोलते हैं, जिफ्ट कहते हैं। एक बार और, दाता स्त्री से अंडाणु लेकर यानी ओवम लेकर ग्राही स्त्री की फैलोपियन ट्यूब में इन अंडाणुओं को स्थानांतरित करने की जो प्रक्रिया है उसी को जिफ्ट कहते हैं, यानी गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। यही बहुत इंपॉर्टेंट। अगला है एमनियोसेंटेसिस। ये क्या है, या इसे हिंदी में उल्ब वेधन कहते हैं। उल्ब वेधन या एमनियोसेंटेसिस ये है क्या चीज, तो ये मानव लिंग परीक्षण है। यानी गर्भ में, माता के गर्भ में लिंग की पहचान करना ही उल्ब वेधन या एमनियोसेंटेसिस कहा जाता है। लिंग की पहचान करने का क्या मतलब है कि उसमें के भ्रूण नर है या मादा है, ठीक है, मेल है या फीमेल है, लड़का है या लड़की है, ये पता लगाने के लिए जो जांच की जाती है उस जांच को ही उल्ब वेधन या एमनियोसेंटेसिस कहा जाता है। तो अब ये है क्या, भारत में इसे बैन कर दिया गया है। यानी भारत में ये कानूनी तौर पर क्या है, गलत है, बैन है ये। और अगर कोई इसको कराता है तो इसके खिलाफ रिपोर्ट की जाती है और उसे हर्जाना भी देना पड़ता है और जेल भी है। तो इसलिए भारत में बैन है। बैन क्यों है, क्योंकि इससे कन्या भ्रूण हत्या को बढ़ावा मिलता है। ठीक है, क्योंकि अभी भी हमारा समाज कैसा है, पैतृक है, पिता को मुखिया माना जाता है, लड़के को बढ़ावा दिया जाता है। तो उसमें क्या होता है कि अगर ये पता लग जाए कि भ्रूण कन्या है यानी क्या है, मादा है, तो कुछ लोग क्या करते हैं, ज्यादातर लोग क्या करते हैं, उसको हटा देते हैं। किस तकनीक के माध्यम से, MTP, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, मेडिकल MTP की फुल फॉर्म क्या है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, उसके माध्यम से उस भ्रूण को हटा दिया जाता है। ठीक, तो ये भारत में क्या है, बैन है। क्यों, क्योंकि इससे कन्या भ्रूण हत्या को क्या मिलता है, बढ़ावा मिलता है। अगला है हमारा सरोगेट माता। ये भी पूछा गया कई बार क्वेश्चन कि सरोगेट माता क्या है, कौन है, किसे कहते हैं। तो इसके लिए देखें, सरोगेट माता उस माता को कहा जाता है जो दूसरी स्त्री द्वारा निषेचित भ्रूण को अपने गर्भाशय में स्थानांतरित कराती है और ऐसे भ्रूण से बने शिशु को जन्म देती है। ठीक है, यानी जो भ्रूण है, निषेचित हुआ हुआ जो भ्रूण है, और वे किसका है, दूसरी स्त्री का है, और उसका परिवर्धन किस में हो रहा है, दूसरी स्त्री में हो रहा है, एक अलग स्त्री में हो रहा है। परिवर्तन होने के बाद जो जन्म दे रही है वो दूसरी स्त्री दे रही है। तो जो जन्म दे रही है, जो परिवर्तित कर रही है उस भ्रूण को, उस भ्रूण से जब शिशु बन रहा है और शिशु को जन्म दे रही है वो माता, दूसरी माता, तो उसी को हम सरोगेट माता कहते हैं। तो ये उन स्त्रियों के लिए वरदान साबित है जिन स्त्रियों के यूटेरस में यानी गर्भाशय में प्रॉब्लम होती है, कोई परेशानी होती है, कोई रोग है, कुछ भी है, इस तरीके से यूटेरस उसके में कुछ गड़बड़ी है, तो उन स्त्रियों के लिए वरदान है। क्योंकि क्या होता है कि भ्रूण फैलोपियन ट्यूब में भ्रूण तो बन जाता है ऐसी स्त्री में, तो फिर भ्रूण के बाद जैसे ही वो यूटेरस में आता है, आरोपित होता है, तो वो वहां पर कुछ दिन या कुछ महीने रह के टर्मिनेट हो जाता है, यानी बेकार हो जाता है, नष्ट हो जाता है, यानी शिशु पैदा होने से ही पहले खत्म हो जाता है। तो उनके लिए वरदान है ये। क्यों, क्योंकि ऐसे जब फिलोपियन ट्यूब से बने जो भ्रूण निषेचित होने के बाद भ्रूण में भ्रूण बनता है, तो उस भ्रूण को फिर वहां से निकाल के किसी दूसरी स्त्री के गर्भाशय में ट्रांसफर कर दिया जाता है और वो वही स्त्री उसका परिवर्धन करती है और उस बच्चे को जन्म देती है। तो उसी स्त्री को यानी दूसरी स्त्री को जहां पर भ्रूण का परिवर्धन हुआ, ठीक है, उस स्त्री को ही क्या कहा जाता है, सरोगेट माता के नाम से
जाना जाता है। तो आज हमने ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, चार टॉपिक आपको समझाया, जिसमें पात्र निषेचन, जिफ्ट, एम्यूनोसिंथेसिस और सरोगेट माता थी। ये टॉपिक आपको कैसे लगे? अच्छे लगे हों तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल बायोलॉजी एमके को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।